हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम सब की ख्वाहिश होती है फ्रेंड्स कि हमारे बाल हमेशा खिले खिले रहें, हमेशा शाइनिंग वाले रहें, हमारे बाल हमेशा सिल्की और स्मूथ रहें। और बालों के लिए हम बहुत कुछ रेमेडी ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंडीशनर का। तो आज आपके साथ एक नेचुरल कंडीशनर शेयर कर रही हूँ जो आप घर पर ही बनाए आएंगी, और ये इतना ज़्यादा इजी है कि आप सोच भी नहीं सकती। और ये वो काम करेगा जो आप बाहर से केमिकल वाला कंडीशनर यूज़ करती हैं। तो दोस्तों वो आपके बालों को डैमेज भी करता है, थोड़ी देर के लिए आपके बालों को शाइनी और स्मूथ कर देता है, बट उसका रिजल्ट जो बाद में आता है आपके बालों पर, उससे आपके बाल ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ एक नेचुरल कंडीशनर, और इसको आप यूज़ करेंगी, मैं इसको यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी, और आप देखेंगी कि आपके बाल इतने ज़्यादा शाइनी और सिल्की हो गए हैं, एक एक बाल आपका खिला खिला हो जाएगा। और ये कंडीशनर मेरा फेवरेट है, मैं अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे बालों में ड्राइनेस है या मेरे बाल शाइनी नहीं लग रहे हैं। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और हमेशा ट्राई कीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह के ईजी और इफेक्टिव रेमेडीज़ देखना चाहते हैं आगे भी, तो सब्सक्राइब माई चैनल ब्यूटी विद निगार और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि ये नेचुरल कंडीशनर हमें किस तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, और आप कोई मग भी ले सकती हैं जिसमें ये कंडीशनर आपको बनाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है ये वेनेगर यानी सिरका। आप जामुन या गन्ने में से कोई भी सिरका ले सकती हैं, एप्पल साइडर वेनेगर नहीं होना चाहिए। आपको शायद पता ना हो कि वेनेगर में पाए जाने वाले विटामिन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये हमारे बालों को सिल्की भी करता है, हमारे बालों को बढ़ने में भी मदद करता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप ले लिया है विनेगर, और इसको मैं डालूँगी इस बाउल में, ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी हाफ कप चाय की पत्ती का पानी, जो कि आपके बालों को इतनी ज़्यादा शाइनिंग देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों ये 100% नेचुरल फार्मूला है आपके बालों को शाइनी बनाने का, सिल्की बनाने का, और एक एक बाल को खिला करने का। तो हाफ कप मैंने ले लिया है, यहाँ 1 टीस्पून चाय की पत्ती पानी में डालकर मैंने उसको बॉयल कर लिया है, और उसको मैंने ऐड कर लिया इसमें। और अब दोस्तों ये मैंने ले लिया है एक मग पानी, और इस पानी को मैं इस बाउल में ऐड करूँगी। आप चाहें तो ये कंडीशनर इस मग में भी बना सकते हैं, और ये पूरा पानी इस तरह से मैं ऐड कर लूँगी, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेचुरल कंडीशनर बनकर तैयार है। अब आपको इसको किस तरह से लगाना है मैं ये भी बताऊंगी फ्रेंड्स। तो ये कंडीशनर आपको लगाना है जिस तरह आप उस कंडीशनर का यूज़ करती हैं शैम्पू करने के बाद, आपको ये कंडीशनर भी उसी तरह से यूज़ करना है। आप पहले अपने बालों पे शैम्पू कर लीजिए, अच्छे से बाल वॉश कर लीजिए, और लास्ट का जो पानी आप डालेंगी वो ये डालेंगी अपने बालों पर। यानी आप पूरा शैम्पू करने के बाद लास्ट में ये मग, पूरा एक मग पानी इस तरह से आप कंडीशनर बनाने के बाद पूरा अपने बालों पे डालेंगी, और उसके बाद अपने बालों को आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बाल नेचुरली इतने ज़्यादा शाइनिंग करने लगे हैं, बिल्कुल सिल्की हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, आपके एक एक बाल खिला खिला सा हो गया है। तो है ना, बहुत ही ईजी बनाना इस कंडीशनर को। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मैंने अपने वीडियोज़ की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं, मैंने हेयर पैक भी शेयर किए हैं आपके साथ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार। बाय बाय।